नमस्कार, आज बात करने वाले हैं 7 मुखी 7 मुखी और 13 मुखी 63 मुखी, इन दोनों रुद्राक्ष में क्या संबंध है। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, वाइट रोड स्पिरिट के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। पहली बात तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं, बहुत लोग कहते हैं 7 मुखी मंगल के लिए है। भैया 7 मुखी शुक्र के लिए है और 13 मुखी जो है ये भी शुक्र के लिए है। तो 13 मुखी पहन लें या 7 मुखी पहन लें? कुछ लोग ये कहते हैं कि 13 मुखी 7 मुखी से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि 13 नंबर जो है 7 नंबर से बड़ा नंबर है, इसलिए कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा भेद इसमें है। भेद ये है कि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है आपकी जो पार्थिव शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, जो कि पंचभूत से बना हुआ है आपका शरीर, जिसको आपको दृश्यमान है, दिखाई पड़ रहा है। दूसरा शरीर हमारा है इलेक्ट्रिकल बॉडी, ऑरा, जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये दोनों हो गए पार्ट। ये इलेक्ट्रिकल बॉडी है, इसमें 7 चक्र हैं, और ये हमारे जो पार्थिव शरीर है इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे संबंधित है। तो यदि आपको शारीरिक रूप से इश्यूज है, मानिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सेक्स संबंधी इश्यूज हैं, आपका सेक्स करने का मन नहीं करता है, या सेक्स करते हुए संतुष्टि नहीं आती है, या मेल है तो इरेक्शंस का प्रॉब्लम है, लेडी है तो आपको वेटनेस का प्रॉब्लम है, मतलब आप तैयार नहीं हो पाती हैं फिजिकली, यदि आपको पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष काम करने वाला है। 13 मुखी रुद्राक्ष काम करता है इलेक्ट्रिकल बॉडी में। यदि आप पुरुष हैं, आप लड़कियों को आकर्षित करना चाहते हैं, आप लड़की हैं और लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो इन क्षेत्रों में ये इलेक्ट्रिकल बॉडी में काम करने वाला 13 मुखी रुद्राक्ष होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष तंत्र विद्या में प्रयोग होता है, तांत्रिक में कामदेव प्रतिदेव के लिए साधना में 13 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। यदि आपको बीपी का इश्यू है तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो ये दोनों में संबंध क्या है कि 7 मुखी 13 मुखी दोनों ही शुक्र के लिए है, लेकिन वर्किंग डायमेंशन एंटायरली डिफरेंट। 7 मुखी धरातल पे फिजिकल बॉडी पे और 13 मुखी 13 मुखी आपका इलेक्ट्रिकल बॉडी में काम करता है, इसलिए इनका संबंध इस प्रकार से बनते हैं। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि 3 मुखी और 12 मुखी, 3 मुखी एंड 12 मुखी, इनमें संबंध क्या होते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मित्रों दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा वीडियो, और अगले वीडियो के इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।